बुराई पर अच्छाई के जीत के त्यौहार के मौके पर दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम पंजाब के सबसे मशहूर दशहरा ग्राउंड होशियारपुर में हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान जो हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और काफ़ी मशहूर दशहरा जो है होशियारपुर का माना जाता है। लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो दशहरा देखने आते हैं। मुख्यमंत्री भगवान मान आज शाम को यहाँ पर पहुँचेंगे और रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो उनके हाथों से होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपके मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा जी हैं और इन्हीं का ये इलाका है। जिम्पा जी, आपके इलाके में पहली बार मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और इतने बड़े अवसर पर, सबसे पहले इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा शुभ अवसर है। विजयदशमी की सबको, पहले तो पूरे देशवासियों को मुबारकबाद है, पंजाब के लोगों को, खास तौर पे होशियारपुर के निवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। और पहली बार कोई सीएम साहब होशियारपुर पधार रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के रूप में, तो मैं कह सकता हूं आज जो हमारे सीएम भगवंत मान जी, जैसे कि रावण रूपी बहुत सारी बुराइयां आज भी मौजूद हैं, उनको दहन करने के लिए, ये तो एक सिंबॉलिक दहन तो होता है हर साल, लेकिन जो एक्चुअल दहन है उसका, वो लगातार, चाहे वो हम ड्रग्स की बात करें, करप्शन की बात करें, और नौजवानों के पास नौकरियां नहीं थी, उसके लिए जो उन्होंने आस जगाई नौजवानों में, तकरीबन 38,000 के करीब नौकरियां आज तक बच्चों को रेगुलर नौकरी मिली हैं। तो ये सारी चीजें थी जिसकी लोगों को उम्मीद थी, और हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे आज। होशियारपुर का दशहरा जो है वो काफी फेमस है, कहा जाता है कुल्लू के बाद दूसरा पंजाब में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है। क्या क्या खासियत है इस होशियारपुर के दशहरे की? देखिए, इसमें खास चीज ये है, एक तो जो भगवान राम के, भगवान लक्ष्मण के और सीता जी का जो पवित्र स्वरूप है, उसको बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक, बड़ी पूजा अर्चना के साथ उनको जगह जगह, आज मेरा ख्याल जितने दिन से दशहरा चल रहा है, भगवान का जगह जगह जहां जा रहे हैं वहां वो उनका, लोगों की श्रद्धा देखने वाली होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, वो हम ये मान के चलते हैं, ये जो स्वरूप जो बच्चे बनते हैं ये खास तौर पे हिमाचल से होते हैं हर साल। अच्छा। पिछले 70 साल से हिमाचल के बच्चे हैं, और इनको पहले, उनको जो परंपरागत, उनको सारी चीजें उनको कराई जाती है, जैसे को व्रत है, नीचे सोना है, सारी चीजें हैं जो एक हम अपने गॉड के रूप में उसको सम्मान देने के लिए मानते हैं, बच्चे सारी चीजें करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, इतनी बड़ी आज आपको यहाँ लोग देखने को मिलेंगे, शायद आपने इतना इकट्ठा, इतने 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख तक लोग यहाँ आपको मिलेंगे। अच्छा, मेले की भी सुना काफी खासियत होती है और बहुत लंबा मेला होता है, लगभग 1 महीने चलता है ये। हाँ, मेला लोग एक्चुअली किया है, पहले शुरू हो जाता है एक तरह का, और उसके बाद जैसे भगवान ने द्वारा अयोध्या पहुंचना है, इसके बाद आज दहन के बाद, तो वहाँ जो आतिशबाजी होती है यहाँ पे वो देखने लायक होती है, तो उसकी बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है, लोग उसका भी एंजॉय करते हैं। आज भी वहाँ बहुत दुनिया आएगी, नजदीक सारे गांव से, मैं कह सकता हूँ रीजन जितना है यहाँ पहुंचेगा आज, होशियारपुर के आसपास के इलाके के सभी लोग बिल्कुल पहुंचेंगे। और साथ ही हमारा पहाड़ी इलाका है हिमाचल का, शुरू हो जाता है, वातावरण बड़ा अच्छा है, जो बड़ा पुराना, इसको हम यहाँ पंजाबी में तो चो कहते हैं, लेकिन नदी भी कहते हैं इसको, तो ये बड़ी बहुत पुराना, ये ऐतिहासिक जगह भी है एक तरह की, और मुख्य भगवान बजरंगबली जी की साक्षात मूर्ति यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये मंत्री थे हरपाल सिंह जी, जिन्होंने ब्रह्मशंकर जिम्पा जी थे जो कि बता रहे थे कि यहाँ पर जो मेला है वो सबसे मशहूर मेला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये पूरा होशियारपुर शहर जो है वो एक तरह से रामनगरी के तौर पर उस तरह से बन जाती है, और लोग जो हैं पूरे महीने भर इस उत्सव को मनाते हैं, और जब आखिरी, खासकर दशहरे के दिन यहाँ पर जब जो भी प्रोग्राम होता है उसको देखने के लिए ना सिर्फ होशियारपुर के बल्कि हिमाचल के लोग भी जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। होशियारपुर से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।